हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान एनसीईआरटी बुक से 11वीं यूनिट एल्कोहल फिनाल एवं ईथर, और इस चैप्टर में आज लेक्चर नंबर 11 है। अभी तक हम लोगों ने एल्कोहल फिनाल और ईथर के विरचन की विधियां, इनके रासायनिक और भौतिक गुणों को पढ़ लिया है, इनके IUPAC नामकरण भी कर लिए हैं पिछले 10 लेक्चर्स तक। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर से, एल्कोहल फिनाल और ईथर चैप्टर से, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जैसे मेथिल एल्कोहल तथा एथिल एल्कोहल में आप अंतर कैसे करोगे, अगर यह प्रश्न आ जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, या अगर यह पूछ दे कि एक निम्न एल्कोहल को उच्च एल्कोहल में कैसे चेंज करेंगे, जैसे मेथिल एल्कोहल को एथिल एल्कोहल में कैसे परिवर्तित करेंगे, या एथिल एल्कोहल को प्रोपिल एल्कोहल में कैसे परिवर्तित करेंगे, या फिर इसी के उल्टा पूछ देता है कि एथिल एल्कोहल को मेथिल एल्कोहल में कैसे बदलेंगे आप, या फिर ये पूछ दे कि 1 डिग्री एल्कोहल को 2 डिग्री एल्कोहल में कैसे चेंज करेंगे। तो इन सारे प्रश्नों को आज की वीडियो में मैं शामिल करने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न आप देखो, पहला प्रश्न, एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ बता रहा हूँ। देखो प्रश्न है, मेथिल एल्कोहल एवं एथिल एल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे। तो इस प्रश्न के बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, कई विधियों से हम लोग टेस्ट करके बता सकते हैं कि कौन मेथिल एल्कोहल है, कौन एथिल एल्कोहल है। दो विधियों की चर्चा यहाँ पे मैं करूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और यूजफुल प्रोडक्ट भी इनमें बनते हैं। एक विधि है हैलोफार्म परीक्षण, अगर हैलोफार्म परीक्षण करते हैं तो मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल का अंतर हम लोग ज्ञात कर पाएंगे, और दूसरा सैलिसिलिक अम्ल के साथ परीक्षण करेंगे तब भी हम मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में अंतर कर पाएंगे, और दोनों ही रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो यहाँ पहले आप सैलिसिलिक अम्ल परीक्षण को, पहली विधि है सैलिसिलिक अम्ल के साथ परीक्षण। जब सैलिसिलिक अम्ल के साथ हम टेस्ट करेंगे तो मेथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल में अंतर कर लेंगे। देखो मेथिल एल्कोहल तथा सैलिसिलिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर मेथिल सैलिसिलेट बनता है, प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है मेथिल सैलिसिलेट, जिसका व्यापारिक नाम विंटर ग्रीन ऑयल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट विंटर ग्रीन ऑयल। इसके विशेष गंध द्वारा इसकी पुष्टि हो जाती है। विंटर ग्रीन ऑयल दर्द निवारक दवाओं का एक आवश्यक घटक होता है, और आप अगर यह दर्द निवारक दवाओं में विशेष रूप से देखेंगे तो ज़रूर महसूस करेंगे कि सबकी गंध लगभग एक जैसी आती है। दर्द निवारक दवाओं में हम लोशन की बात कर रहे हैं, जैसे आप मूव का यूज कर रहे हैं या बोलिनी का यूज कर रहे हैं, झंडू बाम वगैरह प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो ज़रूर आप एक विशेष गंध महसूस करेंगे। आयोडेक्स के प्रयोग में भी आप देखेंगे कि उसी तरह की स्मेल आती है, और उस स्मेल द्वारा इसकी पुष्टि हो जाती है। वह स्मेल होती है विंटर ग्रीन ऑयल की, जिसे मेथिल सैलिसिलेट कहते हैं, व्यापारिक नाम है विंटर ग्रीन ऑयल। तो यहाँ पर अब क्रिया दिखा रहा हूँ मैं, देखो मेथिल एल्कोहल, यह हो गया मेथिल एल्कोहल, और सैलिसिलिक अम्ल से तो अब आप परिचित हो चुके हो पहले से, क्योंकि हमने एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाओं में सैलिसिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक एसिड में सैलिसिलिक अम्ल हम लोग देख चुके हैं OH, और यहाँ पे एसिड समूह होता है, देखो इसे कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। यहाँ आप ध्यान दो, एल्कोहल और एसिड की क्रिया कराते हैं हम लोग तो एस्टर तो बनता है, जिसे एस्टरीफिकेशन कहते हैं, एस्टरीकरण। तो एस्टर बनेगा, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेते हैं और इसी के साथ हीट किया जाता है, गर्म करने पर मेथिल सैलिसिलेट बनेगा, देखो यहाँ से OH और COOCH3, एस्टर बन गया यहाँ, इसका नाम है मेथिल सैलिसिलेट या विंटर ग्रीन ऑयल, यही विंटर ग्रीन ऑयल है, और इसकी विशेष गंध होती है, और इस विशेष गंध के बनने के कारण इस उत्पाद को हम लोग पहचान जाते हैं कि विंटर ग्रीन ऑयल बन गया। अब यहाँ पे अगर एथिल एल्कोहल के साथ सैलिसिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे सेम पोजीशन में, एथिल एल्कोहल और सैलिसिलिक अम्ल को अगर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो एथिल सैलिसिलेट बनेगा। अंतर कहाँ होगा, यह मेथिल समूह है तो यहाँ मेथिल समूह जुड़ा,
अगर एथिल अल्कोहल यूज करते तो यहाँ एथिल समूह होता, यहाँ भी एथिल समूह होता, तो एथिल सैलिसिलेट बनता। लेकिन एथिल सैलिसिलेट में वो गंध नहीं होती है, विंटर ग्रीन ऑयल की गंध नहीं होती है। तो वहाँ पे गंध द्वारा हम पहचान कर सकते हैं कि मेथिल सैलिसिलेट जिसके साथ बन रहा है वह मेथिल अल्कोहल है। दूसरी अभिक्रिया देखो आप, दूसरा टेस्ट है हैलोफार्म परीक्षण। हैलोफार्म परीक्षण में हम आयडोफार्म टेस्ट, क्लोरोफार्म टेस्ट भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ एक ये समूह हमने बनाया हुआ है CH3CO और इसके साथ बॉन्ड दिखाया, यहाँ पे CH3CHOH और इसके साथ भी बॉन्ड दिखाया हुआ है। ये दो ग्रुप हैं और ऐसे ग्रुप वाले, ऐसे समूह वाले यौगिक हैलोफार्म परीक्षण देते हैं। एथिल अल्कोहल को आयोडीन तथा NaOH के साथ गर्म करने पर CHI3, इसको आयडोफार्म कहते हैं, आयडोफार्म के पीले क्रिस्टल बनते हैं। मेथिल अल्कोहल यह अभिक्रिया नहीं देता है। तो एथिल अल्कोहल के साथ आयडोफार्म बन रहा है और आयडोफार्म को पीले रंग से हम पहचान लेंगे, और जब मेथिल अल्कोहल के साथ वही प्रोसेस कराएंगे तो आयडोफार्म बनेगा नहीं। तो मेथिल और एथिल अल्कोहल में हम अंतर कर पाएंगे। अभिक्रिया देखो आप, यह दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से हैलोफार्म परीक्षण तो बार बार आता है। हैलोफार्म में अगर हम आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आयडोफार्म परीक्षण कहेंगे, अगर क्लोरीन के साथ कराते हैं क्लोरोफार्म परीक्षण हो जाएगा। तो देखो रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे, एथिल अल्कोहल लेते हैं CH3CH2OH प्लस 4I2, आयोडीन हो गया प्लस 6NaOH, 6 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के, 4 मोल आयोडीन के, 1 मोल एथिल अल्कोहल का, और इनको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। हीट करने पर क्या बनेगा, आयडोफार्म बनेगा। आयडोफार्म का फार्मूला है CH3, आयडोफार्म बन गया प्लस HCOONa, सोडियम फार्मेट प्लस 5NaI प्लस 5H2O। तो यह अभिक्रिया पूर्ण होती है, खास तौर से यहाँ जो हैलोफार्म बन रहा है हैलोफार्म के रूप में आयडोफार्म, आयडोफार्म बना यहाँ, और आयडोफार्म के द्वारा हम पहचान जाते हैं कि कौन सा एथिल अल्कोहल है। चूंकि मेथिल अल्कोहल में आयडोफार्म बनेगा नहीं, यहाँ आयडोफार्म बनेगा तो पीला रंग के कारण हम पहचान जाते हैं। ठीक है, पीले रंग का विलयन होगा, गर्म करने पर क्रिस्टल में बदलेगा, तो इससे हम पहचान कर लेते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगली अभिक्रियाओं को दिखा रहे हैं। तो चलो बच्चों अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, लेकिन एक चीज जो अभी छूट गई है उसको भी जरा बता दूं, जरूरी चीज है। देखो हैलोफार्म टेस्ट कौन कौन से यौगिक देंगे, तो जरा यहाँ पे एक सूची बना दे रहे हैं। देखो एथिल अल्कोहल CH3CH2OH या तो हैलोफार्म टेस्ट देगा, इसको तो हमने अभी अभी दिखाया रासायनिक अभिक्रिया में। दूसरे अगर एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO तो इसमें भी CH3CHO समूह उपस्थित है तो यह भी हैलोफार्म टेस्ट देगा। एसीटोन हुआ CH3C(OOC)CH3, यह यौगिक भी हैलोफार्म टेस्ट देगा, क्योंकि इसको यहाँ से अगर हम ढकते हैं तो समूह तो उपस्थित है CH3C(OOC) और ग्रुप। इसी तरह एसिटिक एसिड को लिया जाएगा CH3COOH, तो अगर इस ऑक्सीजन को हम यहाँ दिखाएं, देखो डबल बॉन्ड OH, तो इसको ढके तो यहाँ भी CH3C(OOC) ग्रुप दिख रहा है, तो ये सारे यौगिक हैलोफार्म टेस्ट देंगे। इसके बाद हमारे लिए अगला क्वेश्चन देखो आप क्या है, प्रश्न है कैसे प्राप्त करेंगे। पहला है एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, एथेनॉल से मेथेनॉल कैसे बनाएंगे। दूसरा है मेथेनॉल से एथेनॉल, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, और तीसरा है 1 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये कन्वर्जन अभिक्रियाएं हैं, और कन्वर्जन रिएक्शंस में खास तौर से आपको कई स्टेप्स चल के आंसर प्राप्त करने होते हैं, तो कई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए तब आप कन्वर्जन रिएक्शन कर पाएंगे। देखो कैसे यहाँ पे हम आंसर आपको दिखा रहे हैं, उत्तर पहला कन्वर्जन है एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल CH3
CH2OH या एथिल अल्कोहल हो गया, और इससे हमको बनाना है मेथिल अल्कोहल। दोनों में अंतर क्या है, अंतर कितने का है, देखो आप CH2 का अंतर है, इसका मतलब यहाँ से एक कार्बन हमको निकालना होगा। और अभिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलेंगे। देखो अभिक्रिया कैसे होगी, CH3CH2OH यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलने के लिए क्या किया है, सारी अभिक्रियाएं आपको हमने बता दिया है जिससे आप कन्वर्जन कर पाएंगे ये आसानी से। देखो इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलना है तो क्या करना होगा, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, जैसे KMnO4 सांद्र H2SO4 कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लगाएंगे, यहाँ पर सीधे सीधे आपको एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा CH3COOH, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में यह एसिटिक अम्ल है, सिरके वाला अम्ल, एसिटिक अम्ल बन गया, इसको और ज़्यादा रिएक्टिव बनाना है तो सोडियम साल्ट में बदलना होगा। NaOH के साथ अगर इसकी अभिक्रिया करा देते हैं तो एसिटिक एसिड से सोडियम एसीटेट बन जाएगा, इसका सोडियम लवण प्राप्त होगा। तो यहाँ हम CH3COONA, देखो आप सोडियम साल्ट में इसको चेंज कर लिए, और सोडियम साल्ट में चेंज कर लिए तो यहाँ से इस CO2 को बाहर किया जा सकता है, देखो यहाँ से इनको बाहर किया जा सकता है, एक विशेष अभिकर्मक लगाया जाता है जिसका नाम है सोडा लाइम, इस दिशा मोड़ दे रहे हैं, सोडा लाइम लगाएंगे, सोडा लाइम, और सोडा लाइम होता क्या है, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है, NaOH प्लस CaO, तो Na2CO3 के रूप में यहाँ से COO और Na को बाहर ले लेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, प्राप्त क्या होगा, देखो CH4 मेथेन प्राप्त हो गया, हाइड्रोकार्बन बन गया, और हाइड्रोकार्बन से हमको अगर हेलो एल्केन बनाना हो तो क्या करेंगे, हेलोजनीकरण करा देंगे ना, तो सीधे यहाँ क्लोरीनेशन कराओ आप, ठीक है, अगर क्लोरीनेशन कराते हो तो, या फिर ब्रोमिनेशन कराओ तो फिर क्या यहाँ बनेगा, मेथिल क्लोराइड हेलो एल्केन बन गया। और हेलो एल्केन से एल्कोहल कैसे प्राप्त करते हो, तो हेलो एल्केन से एल्कोहलों के निर्माण की विधि है, किस तरह से हेलो एल्केन से हम लोगों ने एल्कोहल बनाया था आप याद करो, यहाँ पे हम लोग एक्वास NaOH या एक्वास KOH यूज करते हैं, NaOH या KOH दोनों में से कोई भी यूज करें, क्या होना चाहिए, जलीय होना चाहिए, जल में घोला हुआ KOH या NaOH होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, OH समूह का प्रतिस्थापन हो जाएगा, Cl समूह हट जाएगा, और यह बनेगा मेथिल एल्कोहल। कहाँ से हम लोग चले थे, एथिल एल्कोहल से चले थे, मेथिल एल्कोहल बन गया, यही टारगेट था ना, एथिल एल्कोहल से चले और मेथिल एल्कोहल पे आ गए, मेथिल एल्कोहल, और यही तो बनाना था। तो यह हुआ पहले प्रश्न का उत्तर कि एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल कैसे बनाओगे। दूसरे उत्तर पे आ रहे हैं, सेकेंड पॉइंट क्या है, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल बनाना है, मेथिल एल्कोहल से यहाँ शुरू कर रहे हैं, देखो CH3OH से आपको बनाना होगा एथिल एल्कोहल, यह है मेथिल एल्कोहल, ठीक है, यहाँ से हम लोग चल रहे हैं। देखो पहले इसको हेलो एल्केन में चेंज कर लेते हैं, हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दे रहे हैं, HI के साथ, बहुत ही अम्लीय है यह, और अभिक्रिया होगा तो यहाँ आयोडीन समूह यहाँ प्रतिस्थापित हो जाएगा, आयोडो समूह जिसको कहेंगे CH3I, देखो हेलो एल्केन बन गया, और हेलो एल्केन बन गया तो यह इसकी अपेक्षा ज़्यादा अभिक्रियाशील है, और इसके बाद कार्बन तो यहाँ जोड़ना है, और कार्बन जोड़ने के लिए क्या करेंगे, KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब फिर यहाँ हमको कार्बन जुड़ता है, CN समूह का प्रतिस्थापन होगा, यहाँ देखो CH3CN कार्बन तो एक जुड़ गया है ना, और जब कार्बन जुड़ गया तो अब हम दो कार्बन का प्रोडक्ट बना सकते हैं, एथिल एल्कोहल में दो ही कार्बन तो होते हैं तो दो कार्बन का प्रोडक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे क्या कमी है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है ना, तो अगर अपचयन कराया जाए तो हाइड्रोजन के अणु जुड़ेंगे यहाँ, तो अपचयन करा लेते हैं, यहाँ पे अपचयन कराएंगे और प्रबल अपचायक लेंगे, जैसे
LiAl(H4) बनेगा क्या? देखो CH3CH2NH2 एक एमीन बन गया, और एमीन से जब NH2 समूह को बाहर करना होता है, NH2 समूह को बाहर करना होगा, तब फिर से एक विशेष रिएजेंट हमको लगाना पड़ता है, और विशेष रिएजेंट क्या है देखो HNO2, इसका नाम है नाइट्रस अम्ल। अभिक्रिया मिश्रण में ही इसको बनाया जाता है NaNO2 प्लस HCl, इनके मिश्रण से HNO2 तुरंत बनेगा अभिक्रिया मिश्रण में, अभिक्रिया होगी, NH2 समूह यहाँ से बाहर होगा, और देखो बनेगा क्या CH3CH2, OH समूह यहाँ लग जाएगा, CH3CH2OH, ठीक है। तो यह हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर। मेथिल एल्कोहल से चले हम, और एथिल एल्कोहल बन गया, यह एथिल एल्कोहल दो कार्बन का एल्कोहल। इसी तरह से आप जरा सोचो, पहले उत्तर में कहाँ से चले हम, देखो एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल बनाए, मान लो आपको प्रोपिल एल्कोहल दे दिया जाए, तीन कार्बन वाला एल्कोहल दो कार्बन पे आना हो, तो सेम प्रोसेस से आप चलेंगे। अन्य विधियाँ भी हैं, कई कई मार्ग हैं जो एक ही लक्ष्य पर पहुँचाएंगे। तो यह तो एक ही मार्ग हमने बताया, दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं, अन्य अभिक्रियाएँ भी हैं जिनके द्वारा आप इस प्रोडक्ट पे आ सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे एथिल एल्कोहल से प्रोपिल एल्कोहल भी बना सकते हैं। तो एक निम्न एल्कोहल से उच्च एल्कोहल में परिवर्तन, और उच्च एल्कोहल से निम्न एल्कोहल में परिवर्तन यहाँ हमने आपको दिखाया। अगला देखो तीसरा पॉइंट, 1 डिग्री एल्कोहल से 2 डिग्री एल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो यहाँ भी देखो तीसरा प्रश्न है 1 डिग्री से 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्कोहल ले रहे हैं CH3CH2CH3, यह तो प्रोपेन हो गया ना, इसके साथ OH लगा दिया। अब देखो इस एल्कोहल में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और बिना 3 कार्बन का लिए तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा नहीं, तो 3 कार्बन का एल्कोहल लेंगे। इस एल्कोहल का नाम है प्रोपिल एल्कोहल। कराना क्या होता है, यहां से अगर देखो विलोपन अभिक्रिया करा दिया जाए, विलोपन अभिक्रिया, एक कार्बन से OH समूह, दूसरे कार्बन से H समूह, तो हमको एल्किन प्राप्त होगा। और विलोपन अभिक्रिया कराने के लिए रिएजेंट क्या है आपको जरूर याद होगा, यह अभिक्रिया भी बताई हुई है हमने, एल्कोहलिक KOH या NaOH का प्रयोग करते हैं, फिर से KOH है, चाहे NaOH कर सकते हैं, अब की बार एल्कोहलिक होगा एल्कोहल में, और एल्कोहलिक KOH एक बेस की तरह काम करता है और विलोपन अभिक्रिया कराता है, बनेगा क्या है देखो CH3CH(CH2), एल्किन बन गया। अब इस एल्किन का करना क्या है, योग अभिक्रिया कराएंगे हम, अगर योग अभिक्रिया कराते हैं HCl का, तो Cl एक हाइलाइड वाला पोर्शन कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ जुड़ेगा मार्कोनिकाप के अनुसार। तो देखो यहाँ पे अब हम योग करा दे रहे हैं HCl या HBr का, एल्किनों पर देखो उत्पाद क्या बना CH3CHCl CH3, ये उत्पाद बन गया 2-क्लोरोप्रोपेन। और 2-क्लोरोप्रोपेन जब यहाँ बन गया है, तो ये तो हेलो एल्केन है ना, जब हम हेलो एल्केन से एल्कोहल बनाना चाहते हैं तो क्या रिएजेंट क्या यूज करते हैं, तब एक्वस KOH यूज करते हैं, यहाँ पे एक्वस KOH या एक्वस NaOH एक्वस माध्यम में, जलीय माध्यम में घुला होना चाहिए, जैसे कि इधर भी हमने कहीं यूज किया हुआ है जलीय माध्यम में NaOH, देखते हैं, देखो KOH यूज किया हुआ है, हेलो एल्केन से KOH यूज किया, तो मेथिल एल्कोहल, एल्कोहल समूह का प्रतिस्थापन हो गया यहाँ ना, तो यहाँ भी Cl समूह की जगह OH समूह जुड़ेगा, देखो CH3CHOH, Cl को हटा के लग गया CH3, यह 1 डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है, यह कार्बन केवल एक ही अन्य कार्बन से जुड़ा है, तो यह एल्कोहल कैसा है 1 डिग्री,
और यहाँ देखो, जिस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा है, यह कार्बन खुद दूसरे दो दो कार्बन से जुड़ा है, देखो, और इसको हम कहते हैं 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा है, इसलिए इसको 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। तो इस तरह से हम कन्वर्जन अभिक्रियाएं करते हैं। कन्वर्जन अभिक्रियाओं के लिए आपको यहाँ जरूर पता चला होगा कि कई सारी रिएक्शंस, कई सारे स्टेप्स याद होने चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करनी होगी कन्वर्जन अभिक्रियाएं करने के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।